अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं सैमसंग गैलेक्सी A52 को पोको F3 के साथ कंपेयर करने जा रहा हूँ। देखें कि हमें कौन सी डिवाइस बेहतरीन देखने को मिल जाती है। स्पेसिफिकेशंस को देख लिया जाए, डिज़ाइन को देख लिया जाए, या फिर ओवरऑल इन दोनों डिवाइसेज़ की परफॉर्मेंस को देख लिया जाए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ इन दोनों डिवाइसेज़ की। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। तो आपको 5G इनेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोको F3 के अंदर, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर आपको 4G LTE तक की मैक्सिमम कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। दोनों डिवाइसेस को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। अगर यहाँ पे बॉडी डायमेंशन को देख लिया जाए तो 159 mm की हाइट आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 की, जबकि 163 mm की हाइट आपको पोको F3 की देखने को मिल जाती है। 75.1 mm की विड्थ आपको सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 76.4 mm की वेट था आपको पोको F3 की देखने को मिल जाती है। 8.4 mm की थिकनेस सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 7.8 mm की थिकनेस आपको पोको F3 की देखने को मिल रही है। 189 ग्राम का वेट आपको सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 196 ग्राम का वेट पोको F3 का देखने को मिल जाता है। ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि ग्लास फ्रंट, ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम ही आपको पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। ड्यूल सिम स्टैंड बाई का ऑप्शन भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रहा है, जबकि IP67 की डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले के हवाले से बात कर ली जाए तो 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस के साथ सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 6.67 इंचेस का एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सहूलत और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ पोको F3 के अंदर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 1080p की रेजोल्यूशन दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, जबकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रही है। 407 की PPI डेंसिटी आपको सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 395 की PPI डेंसिटी पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाती है, जबकि 20:9 की एस्पेक्ट रेशो आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल रही है। एंड्रॉयड 11 आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाता है, जबकि वन UI का लेटेस्ट वर्जन 3.1 सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि MIUI 12 का लेटेस्ट वर्जन आपको पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाता है। चिपसेट के हवाले से बात कर ली जाए तो स्नैपड्रैगन 720G 8 nm बेस्ड चिपसेट सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि स्नैपड्रैगन 875G चिपसेट आपको 7 nm बेस्ड पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाता है। 2.3 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 3.2 GHz का ऑक्टोकोर प्रोसेसर पोको F3 प्रोवाइड कर रहा है। एडिनो 618 का GPU आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि एडिनो 650 का GPU पोको F3 के अंदर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारा डिफरेंस दोनों डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाता है। रैम और रोम की बात कर ली जाए तो आपको 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 8 GB की रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ पोको F3 को लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की बात कर ली जाए तो शेयर्ड सिम स्लॉट आपको सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि पोको F3 के अंदर आपको सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाता है, जबकि UFS 3.1 की सहूलत आपको पोको F3 के अंदर देखने को मिल रही है। कैमरा को अगर दोनों डिवाइसेस के अंदर कंपेयर कर लिया जाए तो आपको 64 MP एफ़ पचर 1.8 के साथ वाइड मेन कैमरा सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 48 MP एफ़ पचर 1.8 के साथ मेन वाइड कैमरा पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाता है। 12 MP एफ़ पचर 2.2 के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 8 MP एफ़ पचर 2.2 के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस पोको F3 के अंदर, 5 MP का एफ़ पचर 2.4 के साथ मेक्रो लेंस और 5 MP एफ़ पचर 2.4 के साथ डेप्थ सेंसर सैमसंग गैलेक्सी A52, जबकि 5 MP का एपर्चर 2.4 के साथ मैक्रो लेंस आपको पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाता है, जबकि डेप्थ सेंसर आपको पोको F3 के अंदर नहीं देखने को मिल जाता। LED फ्लैश लाइट, HDR और पेनोरामा के फीचर्स दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम देखने को मिल जाते हैं, जबकि अगर बात कर ली जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की तो 4K की वीडियो 30 FPS आप दोनों डिवाइसेस के मेन कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि 1080p की वीडियो 30-60 FPS आप सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 1080p की वीडियो 30-60, 120, 240 और 960 FPS
सेकंड पे पोको F3 के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर अच्छी देखने को मिल जाती है। सेल्फी कैमरा के हवाले से बात कर जाए तो 32 मेगापिक्सल F/2.2 के साथ मेन वाइड कैमरा सेल्फी कैमरा आपको सैमसंग गलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 20 मेगापिक्सल F/2.5 के साथ वाइड सेल्फी कैमरा पोको F3 प्रोवाइड कर देता है। HDR के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जबकि 4K की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड और 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे सैमसंग गलेक्सी A52 के फ्रंट कैमरा के साथ, जबकि 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकेंड पे और 720p की वीडियो 120 फ्रेम पर सेकेंड पे पोको F3 के फ्रंट कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग हो सकती है। लाउड स्पीकर के हवाले से बात कर जाए तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि 3.5mm का ऑडियो जैक आपको पोको F3 के अंदर नहीं देखने को मिलता। मजीद अगर यहाँ पे कॉमन फीचर्स के हवाले से बात कर जाए तो वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, FM रेडियो, USB टाइप सी की केबल, NFC और इंफ्रारेड पोर्ट आपको दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम ही देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि पोको F3 के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बैटरी के हवाले से बात कर जाए तो 4500 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी 25W की फास्ट चार्जिंग के साथ आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 4520 mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग आपको पोको F3 प्रोवाइड कर रहा है। कलर्स के हवाले से बात कर ली जाए तो आपको ऑसम ब्लैक, ऑसम वाइट और ऑसम वायलेट, ऑसम ब्लू चार कलर सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि वाइट, ब्लैक और डीप ओशन ब्लू तीन कलर्स पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आखिर में अगर दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाल ली जाए तो अंतुतु बेंचमार्क स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। 2,61,000 प्लस की स्कोरिंग आपको सैमसंग गैलेक्सी A52 के अंदर, जबकि 6,31,000 प्लस की स्कोरिंग आपको पोको F3 के अंदर देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोको F3 के अंदर तकरीबन 4 लाख प्लस की स्कोरिंग सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है पोको F3 की। इसके अलावा आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट भी देखने को मिल जाता है, 5G इनेबल्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, बैटरी सेटअप भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है और बैटरी की चार्जिंग स्पीड भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है पोको F3 के अंदर। तो आप कौन सी डिवाइस की तरफ जाना चाहेंगे? दोनों डिवाइसेस की प्राइस आपको 55,000 के राउंड आउट देखने को मिल जाती है। पोको F3 इस वक्त बेहतरीन डिवाइस देखने को मिल जाती है अगर इसको सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ कंपेयर किया जाए। तो इन दोनों डिवाइसेज में से अगर मैं एक डिवाइस सिलेक्ट करना चाहूँ तो पोको F3 यहाँ पे बेहतरीन डिवाइस देखने को मिल रही है। प्राइस भी अच्छी रखी गई है और 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है कम प्राइस के अंदर, और इसके अलावा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकल के आ रही है। तो सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ अगर कंपेयर किया जाए पोको F3 को तो पोको F3 ही बेहतरीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यूज़फुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक अनबॉक्सिंग टेक रिव्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा इन दोनों डिवाइसेस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।